हेलो दोस्तों, स्टेशन लंगरी भाई सर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बेक एंड ग्राउंड में। आप लोग देख सकते हैं, ये है भैया का पूरा व्यू, जहाँ भैया का मिलता है पिज्जा, बर्गर और भी बहुत कुछ। तो चलिए भैया से बात करते हैं पहले। तो नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, आपने यहाँ क्या क्या मिलता है? मेरे यहाँ पिज्जा, बर्गर, पास्ता, शेक मिल जाएंगे, जैसे ओरियो शेक है, कोल्ड कॉफी है। हाँ जी, सारे शेक भी मिल जाते हैं। भैया आज आप हमें क्या क्या लाने वाले हैं? आज आपको हम पिज्जा खिलाएंगे और बर्गर खिलाएंगे। पिज्जा और बर्गर जी। तो भैया बनाइए आप, ये सबसे पहले आएगा इस पे पिज्जा का बेस। तो सबसे पहले क्या होता है भैया? पिज्जा को पहले गर्म करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस पिज्जा के बेस को आप गर्म करते हैं। भैया बेस किसका बना होता है? ये मैदे का बना। अच्छा, ये मैदे का बना होता है। तो देख सकते हैं आप लोग, भैया सबसे पहले इसमें ओवन चालू रखा था पहले से। सबसे पहले भैया ने इस बेस को गर्म किया। ठीक है भैया, इसमें भैया आप क्या बनाने वाले हैं? इसमें टिक्की तलेंगे। इसमें आप बर्गर के लिए टिक्की? अच्छा, बर्गर के लिए इसमें टिक्की तलेंगे। आप देख सकते हैं कितना मस्त है यार, ये देखने में बहुत ही सॉफ्ट है। ओए बर्गर को भी भैया सबसे पहले यहाँ पे गर्म कर रहे हैं ना जी। कितनी देर तक भैया गर्म होंगे? 2-3 मिनट का। 2 से 3 मिनट तक ये गर्म होंगे करीब। हाँ भैया, ये क्या आ गया इसमें? ये आलू टिक्की है। ये देख सकते हैं आलू टिक्की है, ये फ्रिज में रखी हुई थी। भैया डाल दो आप इसमें। अच्छा, अब इसमें भैया इसको कर देंगे फ्राई। दूसरी तरफ इस बर्गर को भी निकाल लिया गया है ऐसे। तो एक तरफ हमारा ये बर्गर है, दूसरी तरफ हमारा पिज्जा। ये भैया क्या आ गया इसमें? ये चिपोटले है। ये क्या आ गया भैया? ये म्यूनिज। ये आ गई म्यूनिज। अच्छे से भैया इसमें मिला दिया, यहाँ पे इसमें म्यूनिज अच्छे से मिला दी गई। वेजी कौन कौन सी रहती है इसमें भैया? इसमें टमाटो, इसमें टमाटो प्याज। देख सकते हैं भैया ने एक मोटी सी परत इसमें काट दी स्लाइड और इस बर्गर में रख दी गई। उसके बाद इसमें आएगी चीज, चीज से नहला दिया गया है। क्या गया? दोनों स्लाइड को देख सकते हैं आपको, चीज से नहला दिया गया है। कि दोनों को ऐसे ही फिर से ओवन में रख दिया जाएगा। टिक्की इसमें आप बाद से लगाते हैं ना। ये भैया पिज्जा के ऊपर ये क्या आ रहा है? पिज्जा टॉपिंग है। ये पिज्जा की टॉपिंग हो रही है सबसे पहले ऊपर से। भैया ये क्या आ रहा है भैया इसमें? पिज्जा टॉपिंग। ये आ गई पिज्जा टॉपिंग, भर भर के भैया पिज्जा की टॉपिंग डाल देंगे इसमें। बिल्कुल जलेबी बना दिया भैया है ना। इसमें बेजी कौन कौन सी आएंगी भैया? शिमला मिर्च आएगी, प्याज आएगा, प्याज आएगा, चलिए टमाटो आएगा, और उसके बाद ब्लैक ऑलिव, जलापीनो। कितना एक्सपीरियंस है भैया? मुझे 3 साल। भैया को 3 साल हो गए यही काम करते करते। उसके बाद आएगा इसमें प्याज। प्याज देख सकते हैं आप लोग, स्लाइड काट दी गई है, उसके बाद किसी में डाल दी जाएगी। तरीके से डाली थी, मतलब खाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रहे भैया। भैया इसका प्राइस क्या रहता है? इसका प्राइस है 330 रुपए। अच्छा, इसका प्राइस रहता है 330 रुपए। ये आ गया ऊपर से टमाटर, देखने में देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद इसी टिक्की को यहाँ पे बर्गर में डाल दिया जाएगा। बर्गर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। भैया ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया हमारा बर्गर। जी जी, इसके आगे ऊपर से टिक्की। भैया ने स्लाइड से, सिल्वर प्लस स्लाइड से इसको कर दिया पैक। ये हमारा बर्गर हो गया रेडी, देख सकते हैं ये बर्गर हमारा बनके हो गया है रेडी। अब वही दूसरी तरफ हमारा पिज्जा बन रहा था, इसमें क्या क्या रह गया भैया? इसमें ये मशरूम ऐड कर, ये आ गई मशरूम। ये क्या भैया इसमें? ये जलापीनो। जलापीनो, जलापीनो, ये आ गया इसमें जलापीनो। कौन आ गया इसमें हमारा? ये क्या भैया? भैया आप डोमिनोज को फेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बताओ पहले आप। क्योंकि डोमिनोज वाला भी, पल्ला क्रोज वाला भी इतना तो वेजेस नहीं देता हुआ जितना आपने इसमें यहाँ पे दे दिया, वो इतने कम प्राइस में। सबसे पहले पनीर की छोटी छोटी स्लाइड काट दी और इसी में फिर से वापस डाल दी जाएगी। तो चल रहा है जी जी। इसके बाद केवल चीज रह गया इसमें। तो ले देख सकते हैं कितना नहला दिया गया है चीज से। देख सकते हैं 330 रुपए में इतना लोडेड पिज्जा शायद ये डोमिनोज या लाफ्लोज में मिले। उसके बाद ये ओवन में जाएगा। ओवन में भैया कितनी देर तक रखेगा ये? 3-4 मिनट। ओवन में रखेगा 3 से 4 मिनट तक। ये से निकाले भैया, हमारा बन के तैयार हो चुका जी। भैया इसके बाद यहाँ से कर दे रहे हैं इसकी स्लाइड। ओए होए होए, गजब है भाई, चीज देख सकते हैं ऊपर से लहरा रही है। अगर मैनपुरी में अगर कोई आने वाला हो यहाँ पे, एक बार एड्रेस बता देना भैया। मेरा ये नियर बाई है रसूलाबाद चौराहा, नियर बाई मोहल्ला कबीरगंज, नियर बाई रसूलाबाद चौराहा, भोगाव मैनपुरी है ना, उत्तर प्रदेश। ये देख सकते हैं ये हमारा पिज्जा बनके हो गया रेडी। देखने में भैया ने बहुत सारी वेजेस इसमें डाली गई थी। और ये है हमारा बर्गर जिसमें भैया ने पनीर, चीज और स्लाइड, टमाटर, प्याज इसमें डाला हुआ था। तो सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं ये पिज्जा। ये होती है पिज्जा की असली पहचान, चीज आप लोग एक बार देख सकते हैं ये। ये देखिए और लोडेड कितना, ये आप लोग खुद ही देख रहे थे वीडियो में। ओए ओए, इसकी करते हैं हम टेस्टिंग। बहुत ही लोडेड पिज्जा है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। अब हम करते हैं इसको बर्गर को ट्राई। देख सकते हैं बर्गर में अच्छे से भैया स्लाइड भर रखी है, इसमें चीज भी है, टिक्की भी है, टिक्की आलू की होती है ये। इसके बाद है इसमें चीज,
पनीर प्याज। अब हम करते हैं इसको टेस्ट, इसका करते हैं एक बार और ट्राई। अच्छे से सॉस डाल दिया इसमें, बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका। चीज़ भैया ने परफेक्ट डाली थी, मसाले बिल्कुल यूज नहीं किए हैं, आलू की टिक्की है, बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका। बाद बाकी आप हम करते हैं इसको फिनिश। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।